हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी 24/7 पर। सबसे पहले तो बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे यार, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटा रिपब्लिक डे पे सभी मेरे बच्चों को एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज आपको बताने वाला हूं, जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। लगातार बस मन में एक ही डाउट है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कब से चालू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन हमारा कब से चालू होने वाला है, और हमें किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। यार सारी चीजों के बारे में इस सेशन में हम लोग डिटेल में जिक्र करने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखना एंड तक, आपको सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखो पहली बात तो जो सीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज द cvt.samarth.ac.in, यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर डेटा के हिसाब से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो बेसिकली आपका जो फॉर्म डेट आया हुआ था, तो अगर तुम उसको यहां पर देखोगे तो बेसिकली वो 9 फरवरी था, और जो एग्जाम की जो डेट थी और जो एग्जाम की डेट थी बच्चों लास्ट ईयर, वो बेसिकली 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में थी। इस साल आपका जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं प्रीपोन हुआ, यानी कि 15 मई से चालू हुआ है। तो अगर तुम लोग यहां पर मीडिया रिसोर्सेज के हिसाब से अगर देखोगे, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है और इनफैक्ट रिसेंट की न्यूज है कि भैया सीवीटी एप्लीकेशन फॉर्म 2024 सून, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट एंड लास्ट डेट, तो यहां पर ये तुम देख सकते हो कि भैया सीवीटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो जल्दी चालू हो सकता है। और यार इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से अगर तुम यहां पर नीचे आओगे तो यहां पर देख सकते हो कि जो इसका नोटिफिकेशन का डेट है, ये बेटा 9 फरवरी दिया जा रहा है। और इनफैक्ट और कई सारे मीडिया एजेंसीज के हिसाब से अगर ये देखोगे तो बेसिकली ये भी लेटेस्ट न्यूज है। तो यहां पर तुम यहां पर अगर अच्छी तरीके से इसको पढ़ोगे तो यहां पर क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि बेटा जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो बेसिकली फरवरी के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। तो इसको जाके रीड आउट कर लेना, ठीक है। यहां पर लिखा है देखो मार्च के तीसरे हफ्ते में खत्म होगा और अप्रैल में बेसिकली करेक्शन विंडो वगैरह ओपन होगी, और यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन आएगा वो बेसिकली फरवरी के पहले सप्ताह से आप आवेदन कर पाओगे, फरवरी का पहला सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में। और इस चीज को ना तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इस बार पेपर प्रीपोन है, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भी पहले आने की संभावना है। तो जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है ना बेटा, डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से रखना चालू कर दो। डॉक्यूमेंट्स मेनली कौन कौन से, जैसे फोटो हो गया, 10वीं की मार्कशीट हो गई है ना, सिग्नेचर हो गया, और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी चीजों को आप बनवाना चालू कर दो, इन सभी चीजों को कलेक्ट करके रखना चालू कर दो। क्योंकि यार ये फॉर्म में कई सारी ऐसी मिस्टेक्स बच्चे करके जाते हैं जो कि जिससे फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो उस पर भी मैं एक डिटेल सेशन लेके आऊंगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो बेसिकली अपडेट रहना यार, हर एक सेकंड में आप लोग अपडेट रहना। कोई भी डाउट आए नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना। कोई भी दिक्कत है चाहे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, या कोई भी समस्या है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है या किसी भी चीज के रिगार्डिंग डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जा सकते हैं। और हाँ, सिलेबस के बारे में एक चीज और क्रिस्टल क्लियर कर दूं, सिलेबस के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी एज सच अपडेट नहीं आई है, और जैसे ही आएगा हम लोग उस पर लेकर सेशन आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो यार अब देखो फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप लोगों के पास अब टाइम नहीं बचा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। तो यहां पर आप दो तरीकों से पढ़ाई कर सकते हो, जो बच्चे खुद से पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड है, जो बच्चे नहीं पढ़ चुके हैं बेटा आप किसी भी महापैक में आप एनरोल कर लो। तो यहां पर ना महापैक और इंडिविजुअल बैच में तुम्हारे को सबसे पहले अंतर समझा देता हूं, उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लेना कि मुझे किस में जाना चाहिए। महापैक में तुम्हारे को लाइव क्लास, जितने भी अड्डा 24/7 की क्लासे हैं सारी की सारी महापैक में दी जाती है। मतलब कि अड्डा 24/7 में अगर 10 बैच हम लोग आगे आने वाले टाइम पे लॉन्च करेंगे तो 10 बैचेज का एक्सेस तुम्हारे को दिया जाएगा। जितने भी बैचेज अभी तक हम लोग लॉन्च कर चुके हैं सारे बैचेज का एक्सेस तुम्हारे को मिल जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल बैच में ये तुम्हारे को नहीं मिलता। इंडिविजुअल बैच में सिर्फ और सिर्फ एक लाइव क्लास का एक्सेस मिलता है। एक बार ये खत्म हो गई तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। इसमें तुम लाइव क्लास कितने भी बार कर सकते हो, चाहे 10 बैच में जाके पढ़ सकते हो। इसमें बेटा वन मोर थिंग, इसमें तुम्हारे को सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है। इसमें यार सेक्शनल टेस्ट आपको नहीं मिलता है, सेक्शनल टेस्ट यानी कि चैप्टर वाइज। इसमें और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें बेटा तुम्हारे को मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाता है, जिसमें हमारे DU BHU के जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो आपको मेंटोर करते हैं। इसमें तुम्हारे को ये चीज नहीं मिलता। इसमें यार तुम्हारे को हार्ड कॉपी में बुक तुम्हारे घर पर भेजी जाती है ताकि आप लोग अच्छे से कलम कॉपी से लिख के सॉल्व कर सको, इसमें ये तुम्हारे को नहीं मिलती। तो यार ये मेजर डिफरेंसेज है। किसी भी कोर्स में आपको एनरोल करना है Y457, आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हो। तो आपको एक बार को यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। यार एज यूजुअल वही अड्डा 24/7 की वेबसाइट जिस पर आप लोग आते हो उसी पर आना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग जब भी एनरोल करो ऐप के थ्रू एनरोल करो, क्योंकि वहां पर 1% का और डिस्काउंट आपको मिल जाता है।
तो जैसे आप यहाँ पर आओगे अंडर ग्रेड एग्जामिनेशन सीवीटी यूजी सीवीटी साइंस पर आओगे बेटा, सबसे लेटेस्ट बैच साइंस का अभी डेल्टा बैच है। तो अगर मान लो आप इंडिविजुअल बैच में करना चाहते हो तो डेल्टा बैच में करना, अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए हमेशा से महापैक की ही रहती है, तो आप लोग महापैक में ही एनरोल करना। तो साइंस में दो महापैक है, पीसीएम का अलग है, पीसीबी का अलग है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज का अलग है, कॉमर्स का अलग है। तो आप किस स्ट्रीम से हो आप उसी महापैक में एनरोल करना। तो यहां पर देख सकते हो सारी चीजें, यहां पर आपको नीचे क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई है कि सारी की सारी क्लासे लाइव होंगी और वैलिडिटी 8 महीने की है। वैलिडिटी तो जब तक आपका पेपर नहीं है तब तक ही है। इसके अलावा सारे ई बुक्स हैं, इसमें सारी किताबें आपको घर पर भेजी जाएगी। तो यहां पर बेटा आपको ये कूपन कोड नहीं यूज करना, आप जैसे इस पर जाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोड जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हारे को वही यूज करना है, तो तुम्हारे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ सर्वर इशू चल रहा है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो जैसे ही आप बेटा ये मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हारे को मिल जाएगा Y457, इसको लिख लो, जब भी एनरोल करना है आप इसको लगा लेना, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत है यार आप मेरे को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, जो मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट यार। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना और कोई अगर डाउट है तो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा।